इस बीच महाराष्ट्र के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और उसमें बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को 26 सीटें, कांग्रेस प्लस को यानी कि इंडिया गठबंधन को वहां पर 22 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के हिसाब से 48 के 48 सीटों के जो नतीजे हैं आपके सामने हैं एग्जिट पोल के। बीजेपी प्लस 26, तो प्रदर्शन वहां पर थोड़ा सा अगर हम सीटों के लिहाज से देखें थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले अभी भी मजबूत स्थिति में वहां पर बीजेपी दिख रही है, ये आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें हमें दिख रहा है। अच्छा, एक चीज हमारे साथ माधवी जी हैं, माधवी जी से हम जानना चाहेंगे। माधवी जी, देखिए आपने लोगों ने दक्षिण के राज्यों में पैठ बढ़ाने की कोशिश की है, हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों का वोट प्रतिशत बढ़े, लगभग 130 सीटें हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जितनी उम्मीद आपने की थी उसके हिसाब से आपका प्रदर्शन हो पाएगा? क्योंकि जो एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसके हिसाब से कर्नाटक में तो ठीक ठाक है कि वहां पर मामला एक दो सीटों का फासला है, लेकिन बाकी जो राज्य हैं चाहे वो तमिलनाडु हो या फिर केरल हो, क्योंकि कुछ कुछ पॉलिटिकल मैसेजिंग भी होती है, लोग उसको रीड करते हैं, समझते हैं। नरसिंहा राव को भारत रत्न देने का फैसला सरकार ने किया, डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया, राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण के कई राज्यों में कई शिव मंदिरों में गए वहां पर दौरे पर। आपको लगता है कि एग्जिट पोल नतीजे आ रहे हैं, ये क्यों नहीं माना जाए? प्रवीण जी आपके पास आएंगे सर, आपसे आपसे सवाल नहीं है, आप हमारे आपके पास आएंगे, लेकिन माधवी जी आपसे जवाब चाहेंगे इस पर। देखिए, काफी देर बाद आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं और काफी लंबा समय आपने दिया दूसरे लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एआई के जो ओपन एआई का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये पूरा तरीके से प्रमाणित हो गया कि किस तरीके से इंडी गठबंधन और कांग्रेस ने विदेशी एजेंसी के थ्रू देश में लोकतंत्र और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी, ये तो साफ साफ हो गया। अभी क्या है कि अभी ओपोजिशन में जो भी बैठा हुआ लीडर या जो भी प्रवक्ता होगा वो सबसे पहले तो एग्जिट पोल पर ही आप लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि भाई आप लोग एग्जिट पोल दिखा के, मतलब मोदी जी ध्यान मुद्रा में चले गए तो उसे एग्जिट पोल आप लोगों ने बदल दिया, तो ये बताता है कि इनकी जो है सोच कहाँ तक जा रही है। दूसरी बात ये कि सामने जो आ रहा है रिपोर्ट, उनके कहने का मतलब ये है कि भाई अगर एग्जिट पोल अगर सारी चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि जिसमें एनडीए की बढ़त होती हुई दिख रही है तो वो एग्जिट पोल जो है प्रभावित, और कौन इस चैनल का मालिक है उससे ये मतलब सिद्ध करेंगे, उससे यकीन करेंगे कि ये एग्जिट पोल सही है या ये गलत है। अभी तो ये शुरुआत है, आरंभिक समय है, ये इस समय आप चैनलों के ऊपर में टीकरा फोड़ेंगे, उसके बाद में जब एग्जिट पोल के बाद में जब वास्तव में जो परिणाम आएंगे 4 तारीख को, उसके बाद ही फिर ईवीएम के ऊपर में टीकरा फोड़ेंगे। मेरा मानना है कि इनके इंडी गठबंधन में भले ही ये एकजुट बैठकर कितनी भी मीटिंग्स कर ले, कितनी भी ये मंत्रणा कर ले, लेकिन वास्तविकता ये है कि इनका मतबंधन तो हुआ ही नहीं है। गठबंधन जरूर हुआ है लेकिन मतबंधन कभी हुआ ही नहीं है। आज आप बताइए, ये बोलना चाह रहे हैं कि बिहार के अंदर में क्या बिहार की जनता उनको वोट देगी जिन्होंने जमीन के मतलब जमीन के बदले नौकरियां दी? क्या बिहार की जनता फिर से उनको मौका देगी जिन्होंने वहां पे इतनी अराजकता फैलाई, जिन्होंने वहां पर जिस तरीके की राजनीति की और वो जेल से बाहर हैं बेल पर, पूरे परिवार को उन्होंने टिकट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जैसे कि बिहार जो है इनकी जागीर है, बेटी भी लड़ेगी बेटा भी लड़ेगा, बेटा मुख्यमंत्री बेटा मंत्री बेटी फिर मंत्री, ये तरीका नहीं होता है। देखिए, परिवार की राजनीति कर रही है ऑपोजिशन, ये पूरी तरीके से दिख रहा है। अभी आपके जो एक्सपर्ट है उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से फिर से दोबारा तीसरी बार जो है वो सरकार बनाएगी, ऐसे में ये बाध्यता हो जाती है कि कांग्रेस को जो है जो गांधी परिवार है उससे दरकिनार करना पड़ेगा। ये जो कह रहे हैं